बचे जीडी मेटला इंस्पेक्टर से हमारा इंस्पेक्टर सुरेश को एक इन्फॉर्मेशन आया कि हमारा एरिया में एक आदमी का मिसिंग हुआ था, वो 644/2008 में जहांगीर बोल के एक बच्चा मिसिंग हुआ चिंतलमेट से, उनका मर्डर हुआ बोल के एक इन्फॉर्मेशन आया। तो इमिडिएटली हमारे वेंकटेश इंस्पेक्टर आज उधर जाके उधर जो एक्यूट सरेंडर हो गया था उधर उन लोगों से लेकर वो सीन ऑफ ऑर्डेंस किधर हुआ बोल के जाके उधर डेड बॉडी को रिकवरी करके और उधर उसका व्हीकल भी एक है, उसका व्हीकल को भी रिकवर करके उनके पास से एक 650 रुपीज़ और डिसीजर का है और एक दो सेलफोन्स भी रिकवरी हुआ। इस सिलसिले में क्या हुआ बोले तो ये बच्चा जो 20 तारीख को इन्हें कार चलाने को गया, ये कैब ड्राइवर है ओला का, तो ये एक्यूड क्या है इससे पहले और एक कैब ड्राइवर को बुक करके उनको मार के उसके पास जो पैसा है लेंगे बोल के कार ड्राइवर को बुक करके वो मियाँपुर में उसको छोड़ दिया, उसको नहीं हुआ मारने को। देन दूसरा ये बच्चे को फिर जहांगीर को बुक करे, बुक करके इन लोगों पटनचेरू तक गया, पटनचेरू में इनका एक 650 रुपीज़ भी उनके पास लेके वो पैसा रखे और यहाँ से नया हम जरा जहीराबाद तक जाना बोल के उस जहीराबाद तक लेकर जाना में रास्ते में एक वाइन शॉप में एक विस्की बाटल लेके और जहीराबाद को निजर गाने के बाद एक कोहिर रूप में इनको लेके जाके कार में जब हमने बैठ रहा था इन्हें ऑफिस एक वाइन बाटल से इनको सर पे मारा, वो गिर गया और बाद में ये तीन लोग थोड़ा दूर जाने के बाद उनसे पत्थर के फेंक के उनका मर्डर कर दिया वेरी ब्रूटली विदाउट एनी रीज़न। ओनली थिंग उसका क्या है वो कार जो है उन्हें चला रहे, उस कार को निकाल के वो पार्ट्स पूरा निकाल के उसको बेच के वो जो पैसा आया था उस पार्ट के वो लोग जलसा करने के लिए एक काम करा, इसमें बेचारा उसको कुछ मालूम नहीं था, ये वॉज अननेसेसरली किल्ड, दिस इज़ अ वेरी सीरियस क्राइम। और ये हमारा अपील है और गुजारिश है कि ऑल ओला और उबर कार ड्राइवर्स जो कुछ भी कार चला रहे वो लोग जरा होशियार रह के उन लोग कोई जो अंदर बैठ रहा है उनका जरा देख के उसका मूवमेंट क्या है, वो क्रिमिनल है अच्छा है बुरा है समझ के जरा वो अलर्ट रह के तो उनका प्राण बच सकता है, ये बहुत अफसोस का बात है। एंड इसलिए सब लोग वो ओला और उबर कार और दूसरा ड्राइवर्स भी जो टैक्सी चला रहा है वो लोग जरा होशियार से रह के और अलर्ट में रह के ये क्रिमिनल्स को पकड़ के और पुलिस को भी मदद कर सकते हैं और उनका ज़िंदगी भी वो लोग सेव कर सकता है। सर इन्होंने ऊपर कुछ पहले भी कुछ केस वगैरह नहीं, पहले केसेस का अभी इंटरोगेशन चल रहा है क्यों बोले तो हमारे को टाइम बहुत कम था, इनका कन्फेशन में हम डेड बॉडी रिकवरी करें और दूसरा उनको गाड़ी रिकवरी करें, वो गाड़ी भी जब आने के टाइम में उन्हें सीधा नहीं चल सका ड्यू टू ड्रिंक ड्राइव और उसका भी कार वो जोगीपेट एरिया में रहते तो उसका भी रिकवरी करके आया, तो अभी पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसके बाद इनका प्रीवियस केसेस क्या है वो भी मालूम पड़ेगा।